टीपू सुल्तान को हम सब एक काबिल हुक्मरान, बहादुर सिपाही, सच्चे वतन परस के जानिब से तो जानते ही हैं, मगर शायद ही कोई जानता हो कि टीपू सुल्तान ने एक ऐसी इंडस्ट्री की भी नींव रखी थी जो कि आज भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मशहूर है। और ये इंडस्ट्री थी सिल्क इंडस्ट्री, जिसकी शुरुआत टीपू सुल्तान ने खुद 1780 और 90 के बीच की थी। ये बात उस वक्त की है जब रेशम आम नहीं था और ना ही उसको बनाने का तरीका। तो फिर सिल्क इंडस्ट्री शुरू करने का ख्याल टीपू सुल्तान को कैसे आया? आगे बढ़ने से पहले सिल्क के बारे में कुछ मालूमात कर लें। सिल्क बहुत नरम चमकदार फैब्रिक होता है, जिसकी खासियत है कि ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। सिल्क फैब्रिक बनाने के लिए रेशम के धागे चाहिए होते हैं और धागे बनाने के लिए सिल्कवॉर्म यानी रेशम के कीड़े, और इन कीड़ों को पालने के लिए एक जगह और ऐसे पौधे जिस पर सिल्कवॉर्म पल बढ़ सके। इन रेशम के कीड़ों को पालने के तरीके को सेरिकल्चर कहते हैं। सिल्क दो तरह के होते हैं, मलबरी सिल्क और नॉन मलबरी सिल्क। मलबरी यानी शहतूत। मलबरी सिल्क का ओरिजिन चाइना से मिलता है और ये सिल्क 100% नेचुरल और बिना किसी महक के होता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि टीपू सुल्तान को सिल्क इंडस्ट्री शुरू करने का ख्याल एकदम कैसे आया। टीपू सुल्तान का कई मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, जैसे ईरान, फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर, चाइना, जिसके साथ खतों के दावाद ट्रेड आना जाना लगा रहता था। उन दिनों चाइना में मॉन्चू डायनेस्टी थी। वहाँ से एक चाइनीज एम्बेसडर टीपू सुल्तान से मिलने आए। वो अपने साथ एक खास तोहफा लेकर आए थे टीपू सुल्तान के लिए, और ये खास तोहफा था चाइनीज सिल्क, जिसे देखकर छूकर सुल्तान को बहुत अच्छा लगा। ऐसा फैब्रिक उनकी नज़र से आज तक नहीं गुजरा था। इस फैब्रिक की चमक और सॉफ्टनेस से सुल्तान इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने उसी वक्त अपनी रियासत में सिल्क फैक्ट्री डालने का फैसला ले लिया। ये काम इतना आसान नहीं था, इसके लिए रेशम के कीड़े चाहिए थे और सेरिकल्चर में एक्सपर्ट लोग। सेरिकल्चर की शुरुआत टीपू सुल्तान ने कैसे की, इसका मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तीन खत। चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के हार के बाद अंग्रेजों ने काफी बर्बादी और लूट मचाई, टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी को भी ना छोड़ा। इस लाइब्रेरी में जितनी किताबें, कागजात, खत थे सब लूट कर ले गए। कुछ कलकत्ता की लाइब्रेरी में रख दिया गया और कुछ लंदन की, जिसमें सेरिकल्चर से रिलेटेड सिर्फ तीन खत ही मिले हैं। साइमन चार्सले ने अपनी किताब कल्चर एंड सेरिकल्चर में इन तीनों खत को शामिल किया है। वो लिखते हैं कि सिल्क इंडस्ट्री की शुरुआत करने के लिए टीपू सुल्तान ने सबसे पहले एक फरमान भेजा मीर काजिम के नाम, जो कि मस्कत में एक दरोगा की हैसियत से थे। मस्कत उस वक्त एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट था। फरमान में मीर काजिम के लिए हुक्म था कि वो सिल्कवॉर्म और सिल्कवॉर्म बनाने की तकनीक के जानकार और एक्सपर्ट्स के बारे में मालूम करें और मालूमात करके टीपू सुल्तान को फौरन खबर करें। यही नहीं, उन्होंने रेशम के कीड़ों को लाने के लिए दो डेलीगेशन भेजे, एक बंगाल और एक चाइना। बंगाल के डेलीगेट्स 4 साल में वापस आ गए, और जो डेलीगेशन चाइना भेजा था वो 12 साल बाद वापस आए। उस वक्त बंगाल में सिल्कवॉर्म भी थे और शहतूत के पेड़ भी, जो कि 1710 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन से मंगवाया था। यही वजह थी कि टीपू सुल्तान ने सेरिकल्चर के तरीके को सीखने के लिए डेलीगेशन बंगाल भी भेजा था।
टीपू सुल्तान का एक खत श्री रंगापटना के किलेदार के नाम है, जिसमें बंगाल भेजे गए डेलीगेट्स बुहाउद्दीन और कस्तूरी रंगा के आने से पहले की तैयारियों का जिक्र है। खत से मालूम होता है कि सिल्कवॉर्म्स के आने से पहले सारी तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म था। पुराने महल के पीछे की खाली जगह जिसमें तोशा खाना था, उसी के आसपास की जगह को सिल्कवॉर्म रखने के लिए तैयार किया और पहले से शहतूत के पेड़ भी लगाए गए। इस खत में किलेदार के लिए एक और हुक्म था कि वो इनके बारे में पूरी तफसील लेकर, जैसे कितने सिल्कवॉर्म बंगाल से लाए गए हैं, उसे कैसे पालना है और उसकी तादाद कैसे बढ़ानी है, टीपू सुल्तान को फौरन बताएं। सिल्क इंडस्ट्री शेर मैसूर टीपू सुल्तान के लिए एक पैशन था। इन खतों से उनकी बेहतरीन ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स और सिस्टमैटिक अप्रोच का काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बस यहीं से टीपू सुल्तान का सिल्क इंडस्ट्री डालने का ख्वाब हकीकत में बदलना शुरू हो गया। धीरे धीरे कई ब्रीडिंग स्टेशंस मलबरी फार्म्स बन गए। 1793 में तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान ब्रिटिशों से हार गए, लेकिन उसका असर सिल्क इंडस्ट्री पर नहीं हुआ। चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में जब टीपू सुल्तान मारे गए और ब्रिटिशर्स ने काफ़ी तबाही मचाई, तब इस इंडस्ट्री पर भी काफ़ी असर आया, लेकिन वो बंद नहीं हुई, मध्यम मध्यम चलती रही। ठीक 100 साल बाद इस इंडस्ट्री में फिर से जान डाल दी जमशेदजी टाटा ने, जिन्होंने जापानी सेरीकल्चर एक्सपर्ट्स को हिंदुस्तान बुलाया और मैसूर सिल्क इंडस्ट्री को एक नई जिंदगी मिल गई। कुदरत का करिश्मा भी कह सकते हैं और तबाही भी। पेब्रीन सिल्कवॉर्म में लगने वाली एक खतरनाक बीमारी है, जिसके वजह से न सिर्फ बंगाल की बल्कि कश्मीर की सिल्क इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई, लेकिन मैसूर सिल्क इंडस्ट्री इस बीमारी से महफूज रही। इस इंडस्ट्री ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन प्योर मैसूर वैरायटी तब भी रहा और आज भी है। ये सिल्क मैसूर सिल्क के नाम से दुनिया भर में मशहूर है और इस इंडस्ट्री का पूरा क्रेडिट टीपू सुल्तान को जाता है, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और इसकी बुनियाद रखने वाले को हम कैसे भूल सकते हैं, टीपू सुल्तान, द फादर ऑफ मैसूर सिल्क इंडस्ट्री।